नंबर 78 और आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लेजिस्लेटिव बॉडीज। कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अभी उठे? अरे पहले थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, सोए हुए थे मेरा भाई। अच्छा बोलना मेरा भाई। क्या? हाँ जी, इसको याद करना, रटा लगाना। तो मैंने कल भी बता दिया था, ये कल भी सोए हुए थे। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन बनेंगे उन सब की बेस जो होगी, फाउंडेशन है जिसको सामने रखे वो कवानीन बनाए जाएंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आईन। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर कोई कवानीन बनाने हैं, यानी पाकिस्तान में कोई भी कानून, आईने पाकिस्तान तो बन गया, अब जाहिर है उसके बाद फर्दर जो भी लॉ मेकिंग होगी वो लॉ मेकिंग करेगा कौन, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन है, ये स्टडी करेंगे, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज आज के लेक्चर में। और फिर जो आने वाला कल है, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, यानी अगर कोई लॉ को बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, स्टेप नंबर 1 पे क्या होगा, स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा। तो ये जो तीन लेक्चर्स हैं, एक गुजरा कल, एक आज वाला और एक जो आने वाला, इसमें सीक्वेंस ज़हन में रखिएगा। जो कल गुजर गया इसमें हमने क्या स्टडी किया था, आईने पाकिस्तान, ठीक है, ये एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम लॉ है जिसके अंडर लॉ मेकिंग होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हमें ये भी बताता है लॉ कौन बनाएगा, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन सी होंगी और लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। यूं समझ लीजिए कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से दो चीजें, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, और एक लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है, वो अथॉरिटीज जो लॉ पाकिस्तान में बनाती हैं, और आने वाले कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस जिससे गुजर के स्टेप बाय स्टेप कोई भी लॉ बनता है, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पुराना बन गया, ये जो कंपटीशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह वगैरह, ये कैसे बने होंगे, ये हमने स्टडी करना है, क्लियर। तो इनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब यही लॉ मेकिंग बॉडीज। अच्छा, पहले हमारे सिलेबस में एक और अथॉरिटी होती थी, एक अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, एक है लॉ इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, जो कोर्ट्स, जजेस वगैरह, जुडिशियरी सिस्टम है। पहले हमारे सिलेबस में जुडिशियरी सिस्टम भी होता था जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह का स्ट्रक्चर स्टडी करते थे, अब हमारे सिलेबस में ये चीजें नहीं है। अब हमारे सिलेबस में क्या, लॉ मेकिंग, देखिए लॉ मेकिंग अथॉरिटी और है और लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी और है। कोर्ट्स जो होते हैं वो नया लॉ कानून कोई नहीं बनाते, कानून पार्लियामेंट ही बनाता है, कोर्ट्स ने तो उसको इंप्लीमेंट करना है, तो कोर्ट सिस्टम अब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कहता है पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। दुनिया में दो बड़े सिस्टम है गवर्नमेंट के, जैसे आपको पता है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी साहब, अच्छा, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको पता है यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन, और आपको पता है कि यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कोई है ही नहीं। दुनिया में दो, यही बताना चाह रहा था, दुनिया में दो बड़े सिस्टम होते हैं, एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें सारी के सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है, और दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें पावर किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है बल्कि बहुत से लोगों के पास है जिन्हें पार्लियामेंट कहा जाता है। पहले तो ये फर्क ज़हन में रखिए। तो मुझे बताइए पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि प्रेसिडेंट सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट सिस्टम जिसमें पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स होती हैं, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होती, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट इलेक्ट जरूर करती है, लेकिन वक्त जरूरत पड़े या पार्लियामेंट को लगे सही काम नहीं कर रहा, वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने लोग होते हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पार्लियामेंट में एक है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लस बोथ हाउसेस, हाउस कहा जाता है दो अथॉरिटी, जब जब भी हम वर्ड पार्लियामेंट बोलते हैं ना, पार्लियामेंट इज इक्वल टू नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, इसमें दो वर्ड। अब इनको सेपरेट किस लिए किया गया है, इसकी जस्टिफिकेशन भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा नेशनल असेंबली और सेनेट ये दो अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम करती हैं। बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं, तरतीब से चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं मेरे और आप से, हम और आप, हम आप कौन है, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, जो वोट कास्ट करते हैं। आपको पता है जब कभी इलेक्शन आते हैं तो हम वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, तो जनरल इलेक्शन में एक नहीं दो वोट कास्ट करते हैं, जिसे उर्फ आम में एक कहा जाता है छोटा वोट, एक कहा जाता है बड़ा वोट,
हाँ, छोटा छोटा वोट किसको डालना है, शेर को, बड़ा वोट किसको डालना, बल्ले, नॉर्मली सारे टर्म्स आप सुनते होंगे। तो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ये दो वोट असल में वो होते हैं, जो छोटा वोट जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, और जो बड़ा वोट किसको कहते हैं, नेशनल असेंबली, जो नेशनल लेवल पे जिनकी अथॉरिटीज होगी, जो कि मैटर्स को लुक आफ्टर करेंगे, और जो प्रोविंशियल लेवल पे मैटर्स को देखेंगे वो है प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जब कभी इलेक्शन होता है तो प्रोविंशियल असेंबली के जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें जो भी जीतेगा उसे कहते हैं एमपीए, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और जो नेशनल असेंबली का जो नेशनल असेंबली में जीता है सीट में उसे कहते हैं एमएलए। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में पहले नेशनल असेंबली की तादाद कितनी, एमपीएस की तादाद कितनी, ये डिटेल भी होती थी, मैं उस डिटेल की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन एक है प्रोविंशियल असेंबली जिसमें कौन बैठेंगे, एमपीएस, और दूसरी है नेशनल असेंबली जिसमें कौन बैठेंगे, एमएनएस। प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग होते हैं, जैसे पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली इलाहाबाद है, सिंध की इलाहाबाद है, बाकी प्रोविंसेस की इलाहाबाद, ये एमपीएस में से एक पर्सन को चुन लेते हैं चीफ मिनिस्टर, उसे कहते हैं सीएम। सीएम याद रखे कहां से चुना जाता है, एमपीएस से। अब जाहिर है जिसके ज्यादा वोट होंगे उस किसी भी प्रोविंस में, एमपीएस वो अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ये हो गया चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। फिर इसके बाद जो नेशनल असेंबली होगी इसमें बैठे होंगे एमएनएस। एमएनएस भी अपने आप में से, यानी इन लोगों में से, एमएनएस में से एक पर्सन को चुन लेंगे, जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली ने अपना लीडर चुना ना सीएम, जो कि उस सूबे के सारे मामलात को देखता है, उसी तरह नेशनल असेंबली भी एक पर्सन को अपना लीडर चुन लेगी जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये फेडरेशन लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे मुल्क के मामलात को देखता है। इसका प्रोविंसेस में कोई अमल दखल नहीं होता, प्रोविंशियल मैटर्स में अमल दखल नहीं है, नेशनल मैटर्स में अमल दखल है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अगर आप बनते हैं, बनना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए, एक आपको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए, और दूसरा आपके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स होने चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी की बेसिस पे जब एमएनएस आपको वोट देंगे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर अथॉरिटी किसकी है, प्रेसिडेंट की, लेकिन प्रेसिडेंट बेसिकली लॉ मेकिंग, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पोजिशन। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है ना, इसको कहते हैं ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, यानी ये मुल्क के मामलात को चलाता है। ठीक है, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी वो ये करेगा, लेकिन लॉ मेकिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। कुछ मामलात में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट इसकी एडवाइस पे एक्ट करता है, कुछ मामलात में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देता है कि आपको ये चीज इस तरीके से डील करनी चाहिए, यानी ये एक दूसरे की कंसल्टेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान को चलाना जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग है ये प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, और प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर में फर्क समझ आ गया ना आपको? जैसे पाकिस्तान में कोई भी कानून बनाना है ना, प्राइम मिनिस्टर से पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल होगी, इसकी अप्रूवल के बगैर पाकिस्तान में कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है, और कोई पॉलिसी जैसे किस मुल्क से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, किसके साथ नहीं करने हैं, इस तरह के, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस पे बैन लगाना है, किसको अलाउ करना है, कहां सब्सिडी देनी है, क्या प्रोग्राम चलाने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो ये फर्क है लफ्ज लेजिस्लेटिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर में। प्राइम मिनिस्टर के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर्स मौजूद है। ये क्लियर हो गया? तो ये हिस्सा अभी तक हमने समझ लिया, रजिस्टर्ड वोटर्स, उन्होंने वोट दिया प्रोविंशियल असेंबली और वोट दिया नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली ने अपने आप में से एक लीडर चूज कर लिया सीएम चीफ मिनिस्टर, नेशनल असेंबली ने एक लीडर चूज कर लिया प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल, ये कितने साल के लिए होती है? दोनों पांच पांच साल के लिए, पक्की बात है? एग्जैक्टली, पांच साल के बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपने अक्सर वो देखा होगा, वैसे चलते चलते मेजर में बात आ गई, इन हाउस तब्दीली लाएंगे, इन हाउस, ये हाउस किसको कहते हैं भला? असल में उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को निकाल देना, इसकी जगह पे कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आए, वो ये नहीं कह, एक होता है पूरे की पूरी गवर्नमेंट का तख्ता उलट देना कि नए इलेक्शन करवाए जाए, इसको इन हाउस चेंज नहीं कहते, इसको हर पॉलिटिकल पार्टी इसको डिस्करेज करती है कि भाई जिस पार्टी के वोट ज्यादा हैं उसका राइट है वो हुकूमत करें, वो ये नहीं कहते कि पीटीआई हुकूमत से चली जाए, वो क्या कहते हैं, इन हाउस चेंज का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाए, इसके बजाय नेशनल असेंबली किसी और पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, वो चाहे पीटीआई का कोई और बताओ। तो इन इसका इसमें हाउस का लफ्ज क्या शो कर रहा होता है भला? कौन सा हाउस? लोअर हाउस, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल असेंबली से आता है,
तो इन हाउस चेंज मतलब लोअर हाउस ने जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है इसको चेंज करके किसी और को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, ठीक है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, कहते अगर मैं चेंज हुआ मैं सब फारग जीरो दोबारा से इलेक्शन हो, तो इसलिए डरते डरते वो भी नहीं ज्यादा जोर लगाते हैं कि बहरहाल जो भी रीजन है। तो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में फर्क समझ आ गया हमें, दोनों का टेन्योर है 5 ईयर्स का। अच्छा नेशनल असेंबली में जो नेशनल असेंबली में एक और अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो नेशनल असेंबली में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन नेशनल असेंबली के लॉ ये कहता है कि पीरियोडिकली मीटिंग्स होती हैं, नेशनल असेंबली की भी मीटिंग होती है सेनेट की भी मीटिंग होती है। अगर आप बजाहिर देखें ना तो असल में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नेशनल असेंबली का एक मेंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने इसको अपने मेंबर में से एक बंदे को निकाल के कहा ये पूरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करो। ये अगर नेशनल असेंबली में हाजिर नहीं होता, क्या नेशनल असेंबली की वर्किंग पे जो दूसरे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नेशनल असेंबली की मीटिंग होती है। अब मीटिंग होती है तो उनका कोई ना कोई चेयरमैन भी होगा, स्पीकर लीडर जो बेसिकली मीटिंग्स को कंडक्ट करवाता है वो है स्पीकर नेशनल असेंबली का, और साथ ही एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। आप में से कोई बता सकता है इस वक्त नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? असद कैसर, ठीक है। असद का डिप्टी स्पीकर कौन है ये मुझे नहीं पता, कासिम खान सूरी, हाँ कासिम खान, चले ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनकी जेरे निगरानी नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग चलती है, क्योंकि नेशनल असेंबली ने एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है ना नॉमिनेट कर, इसके अलावा और भी बहुत से काम करने हैं, वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे क्या क्या काम करने हैं। तो वो जो काम करने हैं, प्राइम मिनिस्टर तो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बिजी होगा, लेकिन लॉ मेकिंग में लॉ डिस्कशन हो रही होगी और भी काम कर रहे होंगे, वो किसकी जेरे निगरानी किसकी जेरे सरपरस्ती हो रहे होंगे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और स्पीकर मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए क्या आपने नाम बताया? असद कैसर। असद कैसर ये मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है यही असद कैसर, हाँ जी। और डिप्टी स्पीकर कौन है? कासिम खान सूरी। चलिए वजीर अजम तो आपको पता ही होगा, चले लिख देते हैं। और आरिफ अलवी। अच्छा अब प्रोविंशियल असेंबली तो बताइए चीफ मिनिस्टर कौन है? पंजाब का चीफ मिनिस्टर, चले बाप भी ऐसे तो उस्मान बुजदार, हाँ जी उस्मान बुजदार, वसीम अकरम नहीं, वसीम अकरम प्लस नहीं, अब नहीं वैसे इसको वसीम अकरम कहते, वसीम अकरम ने हाथ जोड़ के कहा होगा बस कर दो। अच्छा ले बहरहाल इसके अलावा भी, अच्छा सिंध का कौन है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर? मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। चले ठीक है बाकी जो है जो नेशनल असेंबली है ना इसकी सीट्स होती हैं, इसकी सीट्स हैं मेरा 322 सीट्स हैं शायद, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 342 है, हाँ चले जितनी भी है हम तादाद की तरफ नहीं जाते। इसका मतलब है जिसके पास 50% से ज्यादा सीट्स हैं जिस जमात के कंफर्म उसका प्राइम मिनिस्टर आ गया, अगर 50% से कम है तो इत्तेहादियों को मिला मिलू के वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली की जो सीट्स है ना ये हर प्रोविंस में डिवाइडेड है उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से, और पंजाब की आपने अक्सर अगर हिस्ट्री देखे ना पाकिस्तान की तो अक्सर जो वजीर आजम है वो पंजाब से आता है। इसकी रीजन क्या है भला? इसकी रीजन ये है कि सबसे ज्यादा सीट्स पंजाब की है, ठीक है। तो आबादी ज्यादा है, सीट्स ज्यादा है, इसीलिए अक्सर जिसकी मेजोरिटी पंजाब में ज्यादा होती है जिस गवर्नमेंट की, तो नेशनल असेंबली में ओवरऑल उसी की मेजोरिटी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा सीट्स हैं पंजाब। अच्छा ठीक है पॉपुलेशन के लिहाज से उन्होंने सीट्स दे दी, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है कर ले, जाहिर है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, पॉपुलेशन भी पंजाब की ज्यादा, तो उनके पास सीट भी ज्यादा होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी उनकी उस लिहाज से प्रोपोर्शनेट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर लॉ मेकिंग पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि एक प्रोविंस की अगर ज्यादा उसके पास वोट्स हैं तो नेशनल असेंबली जिसका काम लॉ बनाना भी है, लॉ मेकिंग पावर भी है, क्योंकि ऐसा लॉ बना दे जो एक प्रोविंस के हक में हो और दूसरे प्रोविंस के अगेंस्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा कम सीट्स बलोचिस्तान के पास, ठीक है, और आप कितना कुछ अखबारों में उसके बारे में सुनते हैं नहीं, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है। अब जो पाकिस्तान का जिस बंदे ने आईन बनाया ना उसने एक बड़ा अच्छा काम किया, उसने कहा नेशनल असेंबली की बेस पे अगर सिर्फ लॉ मेकिंग बनेगी ना तो इसमें रिस्क है कि छोटे सूबों के साथ ज्यादती हो जाएगी, छोटे सूबों के साथ। और उसने अपने जहन में यह भी रखा कि आइंदा हो सकता है पाकिस्तान में सूबों की तादाद जो है वो ज्यादा कर दी जाए, बड़े सूबे को डिवाइड करके 2-3 सूबे बना दिए जाए।
तो ये मसला रहेगा कि बड़े सूबे के पास अगर लॉ मेकिंग पावर होगी ना, तो वो कोई ऐसा लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो छोटे सूबे के साथ रहे। इसीलिए उसने कहा लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक नेशनल असेंबली के साथ एक और बॉडी उसने बनाई, सेनेट, सेनेट से भी पास ना हो, जब तक लॉ सेनेट से भी पास ना हो। और सेनेट में फिर उसने क्या, उसने कहा सेनेट में जो सेनेटर्स होंगे ना, सेनेटर्स, सेनेट है अपर हाउस, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना कहते हैं सेनेटर्स, आपने अक्सर सुना होगा वर्ड सेनेटर, इसकी तादाद कम है, शायद 102 है, 104, हाँ 104 सेनेटर्स, जब तक सेनेट से पास नहीं। और सेनेट की ब्यूटी ये है कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि किसी भी छोटे सूबे के साथ ज्यादती ना हो। बलोचिस्तान के भी मेंबर्स होते हैं, पंजाब के भी मेंबर्स होते हैं, बाकी सूबों के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ताकि लॉ मेकिंग जो है वो फेयर रहे। ये सर, अच्छा, जिस तरह नेशनल असेंबली में मीटिंग्स होती हैं इनकी, सेनेट की भी मीटिंग्स होंगे। नेशनल असेंबली की मीटिंग किसकी जरिए सरपरस्ती होती है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और सेनेट की मीटिंग्स किसी जरिए सरपरस्ती होंगी? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और अब मुझे बताइए क्या भला नाम सेनेट का चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी, यही है, हाँ यही है, यूसुफ रजा गिलानी होते होते रह गया, सादिक संजरानी। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? मांडी वाला, सलीम मांडी वाला, नहीं वो डिप्टी चेयरमैन, मुझे नहीं कंफर्म, ये गूगल करके भाई कोई बताए जरा, गूगल बाबा से पूछे, मिर्जा अफरीदी है, सलीम मांडवी, नहीं नहीं ये मिर्जा अफरीदी है, शाबाश शाबाश, चलिए मिर्जा अफरीदी। ये है सेनेट है अपर हाउस, ये है लोअर हाउस, ठीक है। अब पाकिस्तान में सिंपल रूल क्या लॉ मेकिंग का, कि कोई भी लॉ जब बनेगा नेशनल असेंबली से भी पास होगा, सेनेट से भी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से पास हो गया तो ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है? सेनेट से, सेनेट के मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर, ये मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि कलेक्टिव, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो है ना, ये सिंबल ऑफ यूनिटी है, इसने पूरे मुल्क को इकट्ठा करना है। आइडियली इसका ताल्लुक ना किसी जमात से होना चाहिए, और अगर किसी जमात से इसका ताल्लुक है तो जो प्रेसिडेंट बने इसको रिजाइन करना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो है ना, ये जिस तरह एक फैमिली के अंदर एक बाप का रोल होता है ना, उसी तरह एक मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट का रोल है, सबके लिए ये एक बराबर इसको सोचना चाहिए। और ये चूंकि सिंबल ऑफ यूनिटी है, तो इसे हर प्रोविंस और हर तरह के लोगों, कैटेगरी पर्सन के बारे में इक्वली तरीके से सोचना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को इसीलिए नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली के सारे मेंबर जो हैं वो इलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को हमने नाम दिया था हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट चलानी है, यह है हेड ऑफ स्टेट, इसके लिए वर्ड बोला था हेड ऑफ स्टेट। वर्ड गवर्नमेंट और स्टेट में जो फर्क है वो सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहा है, कि गवर्नमेंट जिसने चलानी, इसका मतलब गवर्नमेंट चलाने से मुराद है एडमिनिस्ट्रेशन चलानी इसकी, और स्टेट का मतलब है कि लीगली लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम पावर इसके पास, फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट की होती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये आपके सामने है, ये क्लियर। हाँ, एक चीज आखिरी, अगर प्रेसिडेंट कभी मुल्क से बाहर हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है भला? चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है, जो सेनेट का चेयरमैन है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। और बल्कि पिछले दिनों, पिछली दफा जब इनकी शादी साहब की लास्ट टेन्योर था मेरा, उसमें एक इशू भी राइज हुआ था कि प्रेसिडेंट के लिए जो क्राइटेरिया, जो अभी हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या सेनेट के चेयरमैन के लिए भी एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है कि नहीं, करना है कि नहीं? कुछ लोग कहते थे होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट नहीं है तो ये भी प्रेसिडेंट है। कुछ लोग कहते थे नहीं, ये तो इसकी एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना, असल में प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि एक मसला था जो कि क्राइटेरिया था जो ये फुलफिल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इश्यू राइज हुआ था। लेकिन बहरहाल हमारे लिए उस तरफ जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान में रखें कि सेनेट का चेयरमैन एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है, यानी प्रेसिडेंट की पाकिस्तान में गैर मौजूदगी या प्रेसिडेंट अगर छुट्टी पे चला जाता है तो उसके सारे रोल कौन अदा करेगा? चेयरमैन। इसीलिए ये पोजीशन जो है नॉर्मली पार्टीज के लिए क्रिटिकल होती है, कि लॉ मेकिंग में आसानी, अगर यहां पे भी अपना बंदा और यहां पे भी अपना बंदा हो ना, तो लॉ बनाने में, पास करवाने में आसानी रहती है, वरना बिला वजह डिले कर दिया हो जाता है सिस्टम। ये अथॉरिटीज समझ आ गई आपको, स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, ये बुक में नहीं बना हुआ, ये आपके कंसेप्ट समझने के काम आएगा। अब चलते हैं हम, जी जी, सफोकेशन हो रही है, एसी ऑन कर दे भाई, ये किसी को टीए नहीं है कोई इधर, भाई कोई बटन दबा दे यार, ये वो किन के पास है, मोबाइल है किसी के पास, वो ऐप के जरिए से चला लें, चला चलो लेते होते हैं आप।
बट ठीक है, चल गया, शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब हम इन लेक्चर के अगले हिस्से में क्या सीखने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल, प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल, नेशनल असेंबली के बारे में डिटेल, सेनेट के बारे में डिटेल, प्रोविंशियल असेंबली नहीं, लॉ मेकिंग में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसने सेनेटर्स को अपॉइंट कर दिया, अब सेनेटर्स जाने उनका काम जाना है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फंक्शन क्या है, ये बिल्स अप्रूव करता है। बिल से मुराद ये कोई खाने पीने के बिल नहीं है, कोई भी लॉ जैसे एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, अप्रूव, जब ये अप्रूव हो जाता है ना, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, उसके बाद ये एक्ट या ऑर्डिनेंस इसे कहा जाता है। उससे पहले से क्या कहा जाता है, बिल। आपको याद है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसके साथ वर्ड बिल था, बिल का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ था, अभी अप्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब उसके ऊपर अभी प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए। जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन हो गए उसके ऊपर, वो एक्ट बन जाएगा। तो प्रेसिडेंट का जो सबसे बड़ा फंक्शन है, बिल अप्रूव करना है, और ये प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है, ठीक है। नेशनल इंपोर्टेंस के मैटर्स हो तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को गाइड, और रूटीन नेचर के मामला तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट चलता है। याद है कल पढ़ा था ये, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे चलेगा, और किसकी एडवाइस पे चलता है, कैबिनेट, शाबाश। फंक्शन, इलेक्ट कैसे किया जाएगा, प्रेसिडेंट होगा मुस्लिम। अच्छा, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए हिंदू होना जरूरी है, नहीं है। वहां पे आपने देखा पिछले कुछ अरसे में आपको हिंदू भी प्रेसिडेंट नजर आएगा, मुस्लिम भी नजर आएगा, सिख भी नजर आएगा, बस मेरा ख्याल है और नहीं। चले, मुस्लिम इलेक्टेड, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक कंट्री है इसलिए प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना जरूरी है। इलेक्ट करेगा नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, तीनों से इलेक्ट करेंगे इसको। टर्म्स क्या है, क्या अपना टेन्योर पूरा होने पे री इलेक्ट हो सकता है, हो सकता है। कोई री इलेक्ट हुआ है अभी तक, प्रेसिडेंट थोड़ा था ज़ियाउल हक, वो तो भाई पार्लियामेंट, वो तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। नहीं, पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल नहीं, लेकिन हमें यूएसए में इसकी एग्जांपल मिलती है। हाँ, ओबामा भी दो दफा हुआ था, और उसके बाद नहीं, ट्रंप नहीं, दो दफा हुआ था, हाँ जी, बुश, चले ठीक है, बहरहाल। तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरह दूसरी कंट्रीज में भी ये रिक्वायरमेंट सिमिलर है कि प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। अगर तीसरी दफा री इलेक्ट होना चाहता है तो उसे ब्रेक देनी पड़ेगी, ब्रेक देने के बाद री इलेक्ट हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कोई मिलती जुलती इसमें लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कोई सिमिलर मिलती जुलती रिक्वायरमेंट थी कि वो मैक्सिमम तीन दफा हो सकता है। पहले शायद दो दफा था, फिर ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने शायद मिलकर, आप अक्सर सुनते होंगे, 18वीं तरमीम, ये कोई लॉ में चेंज करके ना तीसरी दफा की इजाजत दी थी, और वो शायद वो चाह रहे हैं कि चेंज करके ना इसको किसी एक पर्सन को चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत दी जाए, लेकिन मेरा प्राइम मिनिस्टर वाली बात उसने नहीं हमारे सिलेबस में लिखी हुई, चलो छोड़े फिर इसको भी। प्राइम मिनिस्टर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये क्लियर हो गया। इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मेंबर होना चाहिए किसका, कैसे इलेक्ट होगा, मेजोरिटी ऑफ नेशनल असेंबली, जिसको वोट देंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर अपना काम करने के लिए कैबिनेट को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और जो कैबिनेट का फेडरल कैबिनेट का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लफ्ज कभी सुना है आपने। अच्छा बताइए, पाकिस्तान में जो हवाबाजी का मिनिस्टर है, जिसने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि पायलट जो है वो सही नहीं चलाते, जा लाइसेंस नहीं है, ये क्या इन्होंने इम्तिहान ही पास किए होते हैं, वो वजीर गुलाम सर। अच्छा, कोई और मिनिस्टर के नाम बता सकते हैं आप, शाह महमूद, ये हाँ, ये वजीर खारजा है, और वजीर दाखला कौन है, शेख रशीद, वो भी मिनिस्टर है, और वो वजीर वजीर तालीम, हाँ ठीक, ये लोग हैं मिनिस्टर। असल में जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो भी देखे, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसीज पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट करनी है, तो पूरे मुल्क को ना उन्होंने डिफरेंट, एक तरह से जैसे एक कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्लासिफाई करते हैं ना, पूरे मुल्क के भी कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, और हर डिपार्टमेंट का हेड एक मिनिस्टर होता है। उस मिनिस्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई पॉलिसीज के मुताबिक उस डिपार्टमेंट को आगे लेके चले, जैसे वजीर रेलवे भी, ठीक है, कौन है आजकल, तो उन्होंने उस सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर है, अब ये जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर असल में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की सारी टीम, ये उसके समझ लें 23 है मेरा हरा मिनिस्टर, कितने जितने भी हैं, ये सारे मिनिस्टर्स हैं, 23 के करीब मिनिस्टर हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर है। अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट जाकर थोड़ी काम करेगा, उससे मिनिस्टर जिसको कहा जाता है फेडरल कैबिनेट,
एक तरह से जो पूरा मुल्क है ये फेडरल कैबिनेट चला रही होती है। लेकिन अब इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, अब जाहिर है ये तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आए हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही चले जाएंगे। मिनिस्टर्स ने आगे अपनी ये खुद काम नहीं करते इतना, इन्होंने अपने असिस्टेंट्स के लिए आगे सेक्रेटरीज रखे होते हैं, सेक्रेटरीज मशीर कह लें उन्हें, सेक्रेटरीज ठीक है, ये फर्दर अपनी असिस्टेंट। तो ये एक समय ले एक स्ट्रक्चर है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़े हैं मिनिस्टर्स, या इन्हें कलेक्टिवली फेडरल कैबिनेट कहते हैं, और मिनिस्टर के आगे सेक्रेटरीज है, और सेक्रेटरी उसको फिर डिटेल मैटर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, मिनिस्टर्स आर असिस्टेंट, आपने बस लिख दिया ये टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर का रोल क्लियर हो गया आपको, इलेक्शन कैसे होगा ये भी क्लियर हो गया, इसका टेन्योर कितना होता है भला, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, आगे चलते हैं। नेशनल असेंबली, नेशनल, अब ये देखिए ये इंडिविजुअल्स थे, अब ये हमारी वो पार्लियामेंट आ गई। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, ये पहले लोअर हाउस में पढ़े। नेशनल असेंबली रोल क्या है, लॉ मेकिंग, सेनेट का रोल भी यही है लॉ मेकिंग, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को बनाना, जैसे मुल्क की पॉलिसी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप क्या होंगे, ये सारा काम नेशनल असेंबली का है। हमारे सिलेबस की हद तक जो हम चुके पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में नहीं जा रहे, हम सिर्फ लॉ मेकिंग साइड में जा रहे हैं, इसलिए ये वाला रोल हमारे लिए ज्यादा है हमें नेशनल असेंबली का, लॉ मेकिंग। इलेक्शन कैसे होगा इनका, नेशनल असेंबली के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं ये आपको बता दिया, रजिस्टर्ड वोटर्स इलेक्ट करते हैं एमएनएस को, टेन्योर 5 ईयर्स का है। कंपोजिशन क्या है, 342 सीट्स, और ये बता दिया आपको बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और 50% से ज्यादा सीट्स हैं वो पंजाब से, इसलिए ये रीजन आपको बताइए कि ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी साइड से होता है। कुछ सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए और मिनोरिटीज के लिए, ताकि इनकी भी, ये कोटा सिस्टम एक तरह से कह ले, इनकी भी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो सके, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हर शहरी के ऊपर आप इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एग्जेम्पशंस भी दी गई है। क्यों एग्जेम्पशन दी गई है, मिनोरिटीज की वजह से, ठीक है, तो मिनोरिटी और फीमेल रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं, मतलब इनमें भी इलेक्शन होगा, लेकिन इस सीट के ऊपर सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, और ये मिनोरिटीज। नेशनल असेंबली का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है, अब चलते हैं सेनेट की तरफ। सेनेट का रोल क्या है, बिल्स को अप्रूव कर, पास बाय नेशनल असेंबली, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल का क्या मतलब है, ये जो बजट होता है, ये क्या मिनी बजट, मिनी बजट, और ये साल बाद जो पास होता है ना, ये आपका बजट, एनुअल फाइनेंशियल बजट कह लें इसको, पूरे पाकिस्तान का, ये है मनी बिल। मनी इसमें दो चीजें नोट कर लीजिएगा, कल के लेक्चर में मैंने यूज करने हैं। पहला, अप्रूव बिल पास बाय नेशनल असेंबली से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई बिल पास करना होता है, उसको एक्ट बनाना होता है, तो पहले नेशनल असेंबली में पास होता है, फिर सेनेट में आता है, सेनेट अप्रूव करता है इस बिल को, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन दो चीजें जहन में रखिएगा। पहली चीज, रेगुलर बेसिस के ऊपर नेशनल असेंबली में कोई बिल ओरिजिनेट होता है, यहां से पास होके सेनेट में जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है वाइस वर्सा, कि सेनेट से बिल ओरिजिनेट हुआ और नेशनल, पहले सेनेट से पास हुआ, फिर नेशनल असेंबली से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट, यानी दोनों हाउसेस से अप्रूव होना बिल जरूरी है, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बिल हमेशा नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो, वो नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट होकर सेनेट के पास जा सकता है, सेनेट से भी ओरिजिनेट होकर नेशनल असेंबली के पास जा सकता है। इस लाइन से आप ये गलत मतलब ना ले लीजिएगा कि अप्रूव के हमेशा पहले नेशनल असेंबली से अप्रूव होगा फिर सेनेट, नॉर्मली ऐसा होता है, इसलिए ये लाइन लिखी गई है, लेकिन वाइस वर्सा भी पॉसिबल। कल जब हम लॉ मेकिंग पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर बिल नेशनल असेंबली से पास हुआ तो फिर सेनेट में जाएगा, और अगर पहले सेनेट से पास हुआ तो फिर नेशनल असेंबली में जाएगा। तो आपने ये नहीं कहना सर ये रिवर्स गियर क्यों लग रहा है, रिवर्स गियर मतलब वाइस पॉसिबल है, ओरिजिनेशन ओरिजिनेटिंग हाउस कोई भी हो सकता है, ये बात समझ आ रही है, किसी बिल को पास करवाना है ओरिजिनेटिंग हाउस कोई भी हो सकता है, वो लोअर हाउस भी हो सकता है, अपर हाउस भी हो सकता है। हाँ, ये जो एग्जाम में बार बार पूछता है मनी बिल, अच्छा मनी बिल क्या, ये आपको समझ आ गया ना, ये जो बजट पास होता है, वो कहता है बजट अगर पास करवाना है ना, उसे फाइनेंस बिल भी कहते हैं ना, बल्कि प्रैक्टिकली मेरा फाइनेंस बिल ही ज्यादातर टर्म यूज होती है, अगर मनी बिल पास करवाना है तो वो नेशनल असेंबली में पास होगा और डायरेक्ट जाएगा प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल सेनेट से अप्रूव करवाना लाजमी नहीं है, एक्सेप्ट मनी बिल का मतलब यह है, यह समझ आया कि हर बिल दोनों हाउसेस से पास होंगे सिवाय मनी बिल।
एक दफा उसने क्वेश्चन पूछा, बताइए एक बिल पास होना है, प्रोसीजर क्या होगा? स्टूडेंट ने लिखा, पहले नेशनल असेंबली में पास होगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पहला तरीका ये, इसमें कोई गलती है? दूसरा, पहले सेनेट में पास होगा, फिर नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास, इसमें कोई गलती है? इसमें भी नहीं है। और अगर मनी बिल है, पहले सेनेट में पास होगा और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये गलत है। हाँ, मनी बिल का कोई लेना देना नहीं है सेनेट से, ठीक है? मनी बिल नेशनल असेंबली में पास होगा, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्लियर हो गया मनी बिल का प्रोसेस? क्लियर हो गया? बनाता ये मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का यही काम असल में। ये जो बिल ओरिजिनेट होता है ना, ये कोई ना कोई मेंबर जो है वो समझता है कि जी जैसे औरतों के हकूक के ऊपर कोई बिल पास होना चाहिए, वो फिर जो एमएनए होगा वो क्या करेगा, अपने उसके क्या होते हैं उसके पास सेक्रेटरीज, इनसे कहता है बिल बनाओ, कैबिनेट से कहता है बिल बनाओ, वो जो आगे उसके दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्निकल नॉलेज तो नहीं होता। आपको क्या लगता है ये लॉ की इतनी टेक्निकल लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं, ये एमएनए से बनाई होगी, एमबीएस ने, ये सेनेटर से बनाई होगी, इनकी बला जाने ऐसी लैंग्वेज टेक्निकल टेक्नोक्रेट टेक्निकल लोग बनाते हैं, ठीक है वो। लेकिन बहरहाल वो चूंकि हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ डिस्कशन नहीं लेके जा रहा। ये बात समझ आ गई, एक्सेप्ट मनी बिल की एक्सेप्शन, ये कल मैंने दोबारा डिस्कस करनी है, उसके बाद हैरान ना होइएगा कि सर ये आपने तो कहा कि हर बिल, तकरीबन हर बिल दो एक्सेप्शन के अलावा हर बिल दोनों हाउसेस से पास होगा और प्रेसिडेंट से पास होगा। दोबारा बता, सुन ले, दो एक्सेप्शंस के अलावा हर लॉ, हर बिल दोनों हाउसेस से भी पास होगा और प्रेसिडेंट से भी पास होगा। वो एक्सेप्शन कौन कौन सी है वो बता दूं। एक एक्सेप्शन है मनी बिल, मनी बिल सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होगा, सेनेट से नहीं होगा, नेशनल असेंबली से पास होकर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन कल बता दूं, अभी अभी के अभी आपने एक लफ्ज सुना कभी, ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, एक हिडन पावर है, हिडन नहीं है, पता है उसको भी? आप मुझे बताइए, नेशनल असेंबली में बिल पास होगा, वहां पे पहले डिस्कस होता है और हर एक बंदा अपनी अपनी चेंजेस को रिकमेंड कर रहा होता है, फिर सेनेट में जाएगा, वहां डिस्कस होगा, लोग सारा पढ़ेंगे एक्ट, इसमें कोई ऐसी प्रोविजन तो नहीं है जो कि नहीं होनी चाहिए या ऐसी जो होनी चाहिए नहीं है, डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद आपका क्या हाल है, ये चंद दिनों में हो जाएगा? बहुत ज्यादा महीने लग जाते हैं। हमारे एक कंपनी से 2017 पास होना था, उसको बहुत कई महीने लग गए थे। और अगर सिचुएशन ऐसी हो कि फौरी तौर पर कोई लॉ बनाना है, तो लॉ ने आरजी पावर दी है, मैं लफ्ज आरजी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, आरजी पावर दी है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो आरजी तौर पे कुछ दिनों के लिए, अब कितने दिन ये मुझे पता नहीं, कभी मुझे लगता है 90 डेज है, कभी है 120, ये कल पढ़ेंगे कि 90 डेज है कि 120 डेज है, लेकिन नहीं कल पढ़ेंगे, अभी नहीं हमें पता, छोड़ें इसको। तो उन दिनों के लिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट लॉ पास कर सकता है, वो लॉ ना नेशनल असेंबली पास करती है ना सेनेट, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साइन होते, इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। और इस लॉ को जो सेनेट वाले और नेशनल असेंबली वाले बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं कि जी ये गलत है, लॉ को पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, ये इन्होंने चोर रास्ता निकाला हुआ है अपनी मर्जी के कानून पास करने का, इस तरह के शायद आप अल्फाज सुनते होंगे। वो असल में प्रेसिडेंट पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, इसलिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर क्विकली कोई लॉ इन्फोर्स करवाना उस वक्त कर सके। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये क्या करती हैं, जब अपनी मर्जी का कोई लॉ, जब पता होना कि ये लॉ को लटका देगी दूसरी जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसे फौरी तौर पर इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से कहेंगे ऑर्डिनेंस पास कर दो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर नहीं मान रहे ना पार्लियामेंट, दूसरी जमातें नहीं मान रहे ना, दूसरी जमातों के वोटर्स किधर बैठे होंगे, सेनेट में बैठे होंगे जो उनके सेनेटर्स हैं, एमएनए किधर बैठे होंगे, नेशनल से। अगर उसको एक्ट बनाना है रेगुलर तो दोनों जगह से पास करवाना होगा, लेकिन वो कहते हैं जी अगर नहीं खतरा हो कि वो नहीं मानेंगे, अगर ठीक है डायरेक्ट प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास कर दे। लेकिन लॉ ने कहा ये ऑर्डिनेंस आप पास तो कर दें, लेकिन ये आरजी होगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, जो कितनी लिखी हुई है 120 डेज के बाद, 120 डेज के बाद इसका स्टेटस खत्म। बहरहाल ये ऑर्डिनेंस, लेकिन ये अभी सारी चीज हमने कल पढ़नी है, आज नहीं पढ़नी, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ते हैं इसके बाद फंक्शंस, सेनेट के फंक्शंस, सेनेट में कौन लोग बैठेंगे, कौन चलाएगा सेनेट, एमपी टेन्योर क्या होगा, सिक्स ईयर। सेनेट के बारे में एक टर्म बोली जाती है, ये परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है,
लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों है ये तो आपको समझ आ गई होगी, लॉ अप्रूवल कर परमानेंट क्यों है ये नहीं समझ आई होगी। इसमें ना गुगली खेलते हैं परमानेंट बॉडी बनाने के लिए, मतलब ये नहीं मैं बता, परमानेंट का मतलब है ये हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट कर रही होगी। देखिए मुल्क को ना किसी भी वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अथॉरिटी लॉ मेकिंग अथॉरिटी मौजूद ना हो। एमएनए कितने साल के लिए है, नेशनल असेंबली का कितना है, सारे के सारे मेंबर्स एक ही वक्त में इलेक्ट होते हैं, 5 साल के बाद खत्म। 5 साल के बाद कुछ अरसा ऐसा 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब तक के नए इलेक्शन नहीं हो जाते। आपको आपने एक लफ्ज़ सुना था अबूरी हुकूमत, अबूरी हुकूमत कब आती है जब नेशनल असेंबली पुराना का 5 साल खत्म हो जाए और अब दूसरी गवर्नमेंट आई और इसने अगले इलेक्शन, तो इसका मतलब है इस जब ये करंट नेशनल असेंबली के मेंबर्स रिटायर हुए और जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते इस दरमियानी अरसे में कोई नेशनल असेंबली पाकिस्तान में नहीं होगी, इसे एग्री करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा चलो ये तो हो जाए लेकिन सेनेट के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये वो पावर है शायद शायद इसकी वजह से इसको अपर हाउस कहते हैं, ये वो पावर है जो सेनेट के पास है नेशनल असेंबली के पास नहीं है, ये वो फीचर है इसमें। जैसे फर्ज कीजिए 104 मेंबर्स हैं इसमें, आज अगर इलेक्शन होना है ना तो 104 मेंबर्स का नहीं होगा, कितनों का होगा, हाफ का होगा। जैसे फर्ज कीजिए आज है 1 जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 2021 को 52 सेनेटर्स का इलेक्शन होगा, ये पॉइंट हुए, इनका टेन्योर होगा 6 ईयर्स लेकिन आधे पॉइंट हुए। इसके बाद जो दूसरे 52 हैं इनका इलेक्शन होगा 3 साल के बाद, एक दो दो तीन चार, एक जन 24 में कहां से आ गया, 1 जनवरी 2021 मैंने डेट रखी थी तो 3 साल बाद मई कहां से आ गया, 1 जनवरी आना चाहिए, 2024 आएगा मई थोड़ी आएगा, अच्छा मई नहीं कहा, मैं कहा नहीं कौन से साल है ये, अच्छा हाँ ठीक है 24 मई का है ना उन्होंने, अच्छा 24 मई मैं समझा 24 मई का है, नहीं ठीक है नहीं मेरी गलती। तो 1 जनवरी 2024 को बाकी के आधे 52 सेनेटर्स का इलेक्शन होगा। इसके बाद बताइए 1 जनवरी 2024 गुजर गया, अगला इलेक्शन कब होगा, 25, 26, 27, 1 जनवरी 2027 का, उन 52 मेंबर्स का जो 1 जनवरी 2021 को अपॉइंट हुए थे, और फिर इसी तरह ये रोल ओवर बेसिस पे कहानी चलती। इसका मतलब है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नॉर्मली तो वैसे मेंबर्स होंगे 104, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कुछ मेंबर्स रिटायर भी हो जाते हैं ना और जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता कम से कम आधे सेनेटर्स मौजूद होंगे, इसीलिए इसे बोला जाता है ये परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसे आपने ये जहन में नहीं रखना कि इनका टेन्योर 3 साल का है, टेन्योर 6 ईयर्स का है, इलेक्शन हर 3 साल के बाद होंगे उन सेनेटर्स के जो 6 साल पहले इलेक्ट हुए थे, ये बात समझ आ रही है, इलेक्शन हर 3 साल बाद होंगे उन आधे सेनेटर्स के जो 6 साल पहले इलेक्ट हुए थे, ठीक है परमानेंट। कंपोजिशन क्या, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आपको बताया था इसी वजह से इसी रीजन की वजह से तो इसको याद किया गया था, जो आइन बनाया ना जिस बंदे ने उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने कहा नेशनल असेंबली ठीक है पॉपुलेशन की बेस पे मेजोरिटी होनी भी चाहिए लेकिन लॉ मेकिंग में किसी के साथ जाती ना हो, इसलिए सेनेट में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी 23 सीट्स होंगी ईच प्रोविंस में से, कितना बनता है 23 भाड़े नहीं याद किए हुए आपने, अच्छा वो इंग्लिश में तो भाड़े नहीं याद किए हुए, हाँ वो उनकी इंग्लिश याद करना एक अलहदा इशू होता था, वो भाड़े इंग्लिश 2 स्टेप्स में याद होते हैं, पहले इंग्लिश याद करें। हमारे यहाँ एक दानिश्वर मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब, नाम सुना आपने कभी, मैं छोटा होता ना तो उनका प्रोग्राम बड़े पीडीवी पे लगा करता बड़े शौक से देखता, उन्होंने एक दफा एक बात कही कि इंसान जितना मर्जी पढ़ लिख जाए 2 काम अपनी मादरी जबान में करेगा, एक गिनती और एक गाली, दोनों कहा कम से कम मेरी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो मैं जब भी गिनती है पहाड़े तो मैं हाँ आपने अक्सर देखा मैं 23 के बजाय अक्सर 23 का करता हूँ, बहरहाल चले यार अपनी अपनी आदत है, 23 भी ठीक है लेकिन 23 हरगिज़ गलत नहीं है। 23 सीट्स हैं हर प्रोविंस में से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी तो हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है किसी प्रोविंस का नहीं है, जैसे इस्लामाबाद जिसे फेडरल कैपिटल कहते हैं, तो 8 सीट फाटा की है और 4 सीट इस्लामाबाद की है, फाटा भी है ना वो क्या कल पढ़ा था ज्यूरिसडिक्शन में, 4 प्रोविंसेस होंगे एक फेडरल कैपिटल और फाटा होगा, तो इनको नहीं रिप्रेजेंटेशन देनी क्या, इनका भी रिप्रेजेंटेशन है ठीक है। तो ये टोटल मिल मिला के 104 सीट हो गई सेनेट की, सेनेट की कंपोजिशन क्लियर हो गई। चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने पाकिस्तान का सिस्टम देखा लीगल सिस्टम और साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी डिस्कशन कर दी हमने, क्लियर हो गया ये। अच्छा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बुक में नहीं है ये, रिवीजन में आपके काम आएगा।
चलिए एक ही छोटा सा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का, इसमें से केस स्टडी नहीं पूछा, चैप्टर 1 में से आपको बताया मैंने केस स्टडी नहीं पूछा, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। आपने रटा लगाना है, कहानी खत्म। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।